महायुद्ध ब्रेकिंग, आपको बता दें यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। रूस से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है। न्यूक्लियर प्लांट में आग के बाद अपील की गई है कि रूस तुरंत युद्ध रोके। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रूस से अपील की है कि वो तुरंत युद्ध को रोके। दरअसल यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है जिसमें आग लग जाती है और रेडिएशन का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है उसमें 25% बिजली का संचालन पूरे यूक्रेन में होता है, ऐसे में उस पर भी असर पड़ा है। और अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री का यह बयान सामने आया है कि रूस से तुरंत युद्ध रोकने की अपील यहां पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने की है। न्यूक्लियर प्लांट में आग के बाद अपील की है क्योंकि आज युद्ध का 9वां दिन है और हर बीतते दिन के साथ स्थिति खराब होती जा रही है। पुतिन की सेना ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध की हर खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है जिसके बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बयान सामने आता है। उन्होंने रूस से अपील की है कि वो तुरंत युद्ध को रोके। कल दूसरे दौर की बातचीत होती है दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच, लेकिन बातचीत बेनतीजा रहती है। सीज फायर पर चर्चा नहीं हो पाती है, बात नतीजे तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अब न्यूक्लियर प्लांट में आग के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रूस से अपील की है। कीव पर कब्जे की जंग काफी तेज हो गई है और हम देख रहे हैं पिछले 9 दिनों से सिर्फ और सिर्फ तबाही बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। ना ही पुतिन की सेना झुक रही है, ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने घुटने टेके हैं। दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है, ये तस्वीरें आप देखिए, और 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति बता रहे हैं। परमाणु प्लांट पर हमला, पहली तस्वीर में आप देखिए धुएं का गुबार, और ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है कि जिस परमाणु प्लांट पर यह हमला होता है ये यूक्रेन का सबसे बड़ा प्लांट है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, भीषण आग की लपटें नजर आती है, एक बिल्डिंग में पूरी तरीके से आग लग जाती है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, आग बुझाने की कोशिशें होती है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये यूक्रेन का प्रमुख प्लांट है और ये तस्वीर युद्ध से पहले की है, जब जनजीवन सामान्य था, जिंदगी पटरी पर थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन इन 9 दिनों में कैसे तस्वीर उलट हो गई है ये आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर को देखकर जो हम आपको दिखा रहे थे, और ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग, यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है। ये सबसे बड़ा यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो न्यूक्लियर प्लांट है इससे 25% पूरे यूक्रेन में बिजली का संचालन होता है और इसमें जो आग लगी है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र की साइट के पास रेडिएशन के ऊंचे स्तर का भी पता चला। यूक्रेन में कुल बिजली उत्पादन का 25% उत्पादन इस प्लांट से होता है और इसको लेकर के IAEA ने गंभीर चेतावनी भी जारी की है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रूस से युद्ध रोकने की अपील की है। तो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लगातार 9वें दिन जारी है, इन सबके बीच युद्ध विराम की कोशिशें हो रही हैं। और आपको बता दें कि जब परमाणु प्लांट पर हमला होता है उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है। तो यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला होता है और इस प्लांट पर हमले के बाद यूक्रेन बैकफुट पर नजर आ रहा है। नीरज मेरे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। नीरज, अभी तक तो यूक्रेन घुटने नहीं टेक रहा था, लेकिन अब परमाणु प्लांट पर हमले के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने अपील की है रूस से कि युद्ध रोके। देखिए, बार बार युद्ध रोकने की अपील की गई है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि युद्ध को रोका जाए। आपको याद होगा बातचीत में जो पहली शर्त यूक्रेन के वो संघर्ष विराम के, लेकिन इस यूक्रेन के जिस शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला किया गया जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, एक अंदाजन खुद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर रेडिएशन हुआ तो चेर्नोबिल से 10 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन यहां हो सकता है।
आईएईए ने भी कदम बढ़ाया इस पूरे मामले में और कहा है कि इस तरह के हमले को रोकने चाहिए क्योंकि उसका नुकसान होगा, न्यूक्लियर रेडिएशन होता है। तो यूके ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक इस पूरे मामले पर बुलाने की मांग की, जिस तरह से रशिया की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला किया जा रहा है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, यूक्रेन में पिछले 9 दिन से युद्ध जारी है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमले के बाद तमाम जो दुनिया के देश है, जो स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं यूक्रेन में, वो सक्रिय हो गए हैं और नहीं चाहते कि चेर्नोबिल के बाद कोई एक ऐसा हादसा हो जिसमें हजारों लाखों लोगों को अपनी जान न्यूक्लियर पावर रेडिएशन की वजह से उठाना पड़े। बिल्कुल नीरज, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज युद्ध के 9वें दिन पुतिन की सेना ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है, हमले ज्यादा बढ़ चुके हैं। जी प्रश्न दो रहे जसप्रीत। नीरज, आज युद्ध का 9वां दिन है और 9वें दिन पुतिन की सेना ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। देखिए हर दिन है, हर दिन का युद्ध एक नए तरीके का होता है और आपको याद होगा जसप्रीत, 7वें 8वें और आज 9वां दिन है, तो पहले के दिनों की भी बात करें तो एस्केलेट करने की कोशिश बार बार की है, चाहते हैं कि क्यू पर कब्जा करें, क्यू पर जब कब्जा नहीं हो पा रहा है तो दूसरी स्ट्रेटजी के तहत काम करते हैं। कई प्लान होते हैं युद्ध के, तो दूसरे प्लान के तहत ये काम किया जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला करके ये दिखाया जाए कि रूस किसी हद तक जा सकता है। बिल्कुल, क्या कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी ये इस हमले से साफ हो चुका है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने युद्ध रोकने की अपील की है। तो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लगातार 9वें दिन जारी है, इन सबके बीच युद्ध विराम की कोशिशें भी हो रही हैं। दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत किसी ठोस नतीजे पर तो नहीं पहुंची, लेकिन युद्ध के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने को लेकर सहमति हुई। मानवीय मसले पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी और लोगों को निकालने के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने पर बात हुई। यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के बीच अब तीसरे दौर की बातचीत होगी। रूस पर स्वीडन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वीडन की वायुसेना की तरफ से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आरोप लगाया गया कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट उनकी हवाई सीमा में दाखिल हुए, जो स्वीडन की एयर स्पेस का बड़ा उल्लंघन है। स्वीडन की सेना ने कुछ तस्वीरें भी अपने दावे के साथ जारी की। तस्वीरों में 4 लड़ाकू विमान दिखाई दिए, इनमें 2 सुखोई 27 और 2 सुखोई 24 बताए गए। रूस की वायुसेना के ये फाइटर जेट गोटलैंड नाम के एक टापू के पास तक पहुंचने की जानकारी दी गई। नक्शे पर देखें तो रूस की पश्चिमी सीमा जो बाल्टिक सागर से लगती है उसके पास एक छोटा सा टापू दिखता है गोटलैंड। ये स्वीडन की सीमा है और रूस की सीमा से इसकी दूरी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसलिए जैसे ही रूस के फाइटर जेट पहुंचने की खबर स्वीडन की वायुसेना ने दी, हड़कंप समझ गया। यूक्रेन में मची तबाही को दुनिया पहले से देख रही है, इसलिए रूस के फाइटर जेट वहां पहुंचने की खबर से ही स्वीडन में हड़कंप मच गया और वहां के लोगों को भी जंग की आहट महसूस होने लगी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड से रूस की तनातनी पिछले कई दिनों से चल रही है। यही वजह है कि रूस की वायुसेना के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचना कोई अनजाने में हुई घटना के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि न तो बाल्टिक सागर में रूस की फौज का कोई अभ्यास चल रहा था और ना ही एक साथ 4 फाइटर प्लेन रास्ता भटककर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच सकते हैं। इसे साफ तौर पर रूस की सेना का आक्रामक रवैया माना जा रहा है। रूस के फाइटर जेट का स्वीडन की सीमा में पहुंचने का मतलब एक साफ संकेत देना है और वो संकेत यह है कि रूस केवल यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है, जो यूक्रेन में चल रहा है वो कहीं और भी हो सकता है। सीधे सीधे कहा जाए तो ये स्वीडन को रूस की चेतावनी है और केवल स्वीडन को नहीं बल्कि स्वीडन के साथ फिनलैंड को भी, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड दोनों को ही रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार चेतावनी दे रहा है। इन दोनों मुल्कों के साथ भी विवाद की वजह ठीक वही है जो यूक्रेन के साथ जंग की वजह बनी है।